डब्ल्यूसीआरएमएस के आह्वान पर पॉइंट्समैन परिचालन कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर क्रमिक अनशन कटनी रेलवे जंक्शन पर डब्ल्यूसीआरएमएस के अध्यक्ष डॉ आरपी भटनागर के प्रेरणा एवं श्री अशोक शर्मा महासचिव के मार्गदर्शन एसिन शुक्ला मंडल अध्यक्ष डीपी अग्रवाल मंडल सचिव के नेतृत्व में पॉइंट्समैन परिचालन कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर जबलपुर मंडल में 23 नवम्बर 2020 से क्रमिक अनशन किया जा रहा है। उसी क्रम में आज दिनांक रात के 12:11 2020 को कटनी स्टेशन पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें एक महंगाई भत्ते की रोकी गई किस्त को अविलंब जारी किया जाए, दो नाइट ड्यूटी पर ₹43,600 की लगाई गई सीलिंग को हटाया जाए, तीन रोसाइड स्टेशनों के रेल आवाज की दुर्दशा को ठीक किया जाए, पॉइंट्समैन संवर्ग में भी कैडर रिस्ट्रक्चरिंग लागू कर ₹4,200 तक का जीपी यानी लेवल 6 दिया जाए। संघ के पदाधिकारियों ने इन मांगों को पूरा करने की मांग किया है, नहीं तो बड़े आंदोलन करने की चेतावनी दी है। इस अवसर पर एसिन शुक्ल मंडल अध्यक्ष, केसी रजक कटनी शाखा अध्यक्ष, अशोक कुमार पाठक, सुरेंद्र सिंह, चंद्रकांत मौर्य, पीके दास, प्रभात सिन्हा, अंकित ठाकुर, पंकज शुक्ला, ओम प्रकाश पांडे, सीताराम यादव, अभिषेक तिवारी, अशोक कुमार, कमलेश कुमार, आकाश आहूजा, धर्मेंद्र सिंह, आनंद सिंह, प्रवीण पटेल, श्रीराम पांडे, संतोष यादव, अफसर हुसैन, महेंद्र कुमार, अशोक गिरी, अनिल यादव, अमृतलाल, विकास यादव, लखन लाल, भंजन खान, नितेश मिश्रा, कृष्णकांत मिश्रा, रवि कुमार, एजाज खान, महेश यादव, अवनीश दुबे, रतन निषाद, ओम प्रकाश आदि सहित भारी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे। कटनी से प्रवीण पाराशर की रिपोर्ट। धरना किसकी रखा है आज? जो रेल प्रशासन की मजदूर विरोधी नीतियां हैं, वो जब से कोरोना काल चालू हुआ है तो इसकी आड़ में इस प्रशासन ने एक अवसर ढूंढ लिया है कि कर्मचारियों को कैसे प्रताड़ित किया जाए, कैसे इनको काम अधिक से अधिक इनसे लिया जाए और पैसे का भुगतान कम किया जाए। उसी क्रम में इन्होंने कोविड का आड़ लेते हुए जो पॉइंट्समैन स्टेशन पर एक सुरक्षा समीक्षा का काम करते हैं उनकी ड्यूटी को 12 घंटे बढ़ा दिया, 8 घंटे से कर दिया। अब चूंकि कोरोना खत्म हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन गाड़ियों का परिचालन प्रॉपर इन्होंने कर दिया, धीरे धीरे गाड़ियां बढ़ गई हैं। उसको देखते हुए हमारी ये मांग है प्रशासन से कि इनका जो ड्यूटी रोस्टर 12 घंटे है, एक कर्मचारी को 12 घंटे ड्यूटी कंटिन्यू करना एक उसके मानसिक तौर पर भी उसको परेशान करता है, तो उसको रिलीफ देते हुए जो परिचालन का काम संरक्षा का काम वो देखता है उसमें किसी प्रकार की कोई गलती ना हो उसको सुधारते हुए उसकी ड्यूटी 8 घंटे की जाए। इसी मांगों को लेकर के आज पूरे वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ अपना जबलपुर जोन में हमारे NFIR के आह्वान पर WCRMS ये धरना प्रदर्शन कर रहा है, क्रमिक अनशन है, और जब तक प्रशासन अपनी मांगों को संशोधित नहीं करता है, उनकी ड्यूटी 12 घंटे से 8 घंटे नहीं करता है, हम लोग इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। और अनेक समस्याएं जैसे क्वार्टरों में समस्याएं हैं, अभी रेल प्रशासन ने मेंटेनेंस जो क्वार्टरों का होता था उसको रोक दिया है, कर्मचारी परेशान हो रहा है लेकिन इनको समस्याएं नहीं दिखाई देती हैं, उन्हीं समस्याओं को लेकर के हम लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं केसी रजक कटनी शाखा का अध्यक्ष हूँ WCRMS। धरना प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के मुख्यालय के आदेश पर ये कंफर्म हुआ टिकट देता है जो रेल प्रशासन द्वारा अलग अलग है कि रेल प्रशासन द्वारा जो पॉइंट्समैन के ड्यूटी रोस्टर को 8 घंटे से 12 घंटे का जो तुगलकी फरमान जारी किया गया है उसके विरोध में वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ जबलपुर मंडल में क्रमिक अनशन का आह्वान किया है, जिसमें कल 23 तारीख को सागर में किया गया, 24 तारीख को आज हम लोग कटनी स्टेशन पे कर रहे हैं। इस तुगलकी फरमान के खिलाफ जो पॉइंट्समैन हमेशा से इस कोरोना काल में बहुत ही ईमानदारी के साथ और निष्ठा के साथ रिस्क लेते हुए रेल के संचालन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन प्रशासन उसके योगदान को भुलाते हुए यह कह करके कि ओवर टाइम का भुगतान हमने ज्यादा किया है, लेकिन मैं इस रेल प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि पॉइंट्समैन कैडर पिछले हमने जो डिवीजन से लेखा जोखा लिया है उसमें लगभग कुछ लाख रुपए का ओवर टाइम का भुगतान किया गया, लेकिन जो सबसे निरीह या सबसे जिनके प्रमोशन के कोई चांसेस नहीं है, जो 1800 में भर्ती होता और 1900 जीपी में रिटायर हो जाता है, ऐसे सबसे निचले दर्जे के कर्मचारी को वो
8 से 12 घंटे करने का जो है वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ इसकी लड़ाई लड़ेगा और जरूरत पड़ेगा तो इस आंदोलन को और आगे ले जाने का काम करेगा, क्योंकि जब तक इन ड्यूटी रोस्टर को हम 12 से 8 नहीं कराएंगे वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ चयन के साथ बैठने वाला है। कब तक जारी रहेगा? यह हमारा क्रमिक अनशन है, 24 को कटनी में है, 25 तारीख को हमारा मैहर में है, 26 को जबलपुर में है, 27 को सतना में है और ऐसे ही इस कार्यक्रम को हम आगे ले जाने का काम करेंगे। एस एल शुक्ला, मंडल अध्यक्ष।